हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यश का किचन। आज हम यश का किचन में लेकर आए हैं आपके लिए स्पाइसी पोहा मंचूरियन रेसिपी, जिसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है। आप एक बड़ा बाउल पोहे का ले लीजिए और उसमें इतना पानी डालिए कि सारे पोहे भीग जाए और अच्छी तरह से उनको भिगो कर रख दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप देखें कि ये एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इन पोहों में से अच्छी तरह से सारा पानी निकाल लेना है, पानी अलग कर देना है। आप दबाकर इस तरह से पानी निकाल दें इसका सारा। उसके बाद आपने कद्दूकस की हुई गाजर इसमें डालनी है और प्याज बारीक कटे हुए, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डाल दें और पत्ता गोभी हमने बारीक काट के डाली है और ये हमने जिंजर पेस्ट लिया है। उसके बाद हमने हरे धनिए की पत्तियाँ ऐड की हैं, ये नमक और काली मिर्च पाउडर पेपर है और आप स्वाद के अनुसार से लाल मिर्च और नमक डाल सकते हैं। अब सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आपको मसाला अच्छी तरह से मिक्स करना है इस तरह से। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। इस तरह से आपको बॉल बनानी है एकदम गोल। अब हम सारे जो भी मसाला है उससे सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। एक एक करके सारी बॉल तैयार कर लें। अब हम इसे गरम तेल में फ्राई करेंगे। तेल को अच्छी तरह से गरम कर लें, फ्लेम को आप मीडियम रखें और इस तरह से इनका कलर बादामी होने पे आप इन्हें बाहर निकाल लें। अब हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है एक चम्मच, उसमें हमने डाला है गार्लिक और स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन चिली, एक से दो मिनट तक आप इन्हें अच्छी तरह से पका लें। स्वाद के अनुसार आप नमक डालें, काली मिर्च। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने स्वाद के अनुसार इसमें आप सॉस डाल सकते हैं। हमने रेड सॉस और सोया सॉस डाली है, आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। ये हमने सूप बनाने की तैयारी की है। अब आप इसमें पानी डालें और ये हम आधा कप एक गिलास जितना सूप तैयार करेंगे। आप सूप ज़्यादा भी बना सकते हैं। इस तरह से एक से दो मिनट तक इसे पकाएं और उसके हम अंदर हमने जो बॉल्स फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दें। सभी बॉल्स ऐड करने के बाद आप इन्हें मिक्स कर दें और धीरे धीरे फ्लेम पर इन्हें पकने दें ताकि जो सूप हमने बनाया है इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप इन्हें ग्रीन ऑनियन से फिर से गार्निश कर लें। इसके बाद आपके पोहा मंचूरियन एकदम से तैयार हो जाएंगे। आप इसे खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये पोहा मंचूरियन रेसिपी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।